मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पलटी मार पॉलिटिक्स से बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार तो बन गई, लेकिन इसने जेडीयू के 5 बड़े नेताओं की टेंशन भी बढ़ा दी है। इनमें ललन सिंह, गिरधारी यादव, रत्नेश सादा, विजेंद्र यादव और गुलाम रसूल बलियावी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के इन 5 नेताओं के लिए एनडीए के नए समीकरण में फिट बैठना काफी मुश्किल हो सकता है। इसकी बड़ी वजह बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनकी मुखरता है। हालांकि वर्तमान में सभी चुप्पी साधे हुए हैं और आगे के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वैसे पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो नीतीश जब भी पाला बदलते हैं तब अपने कुछ करीबी नेताओं को पार्टी से बाहर कर देते हैं। ऐसे में ये चर्चा भी जोरों पर चल रही है कि क्या इस बार भी गठबंधन को ठीक ढंग से चलाने के लिए इन नेताओं की बलि दी जाएगी। नमस्कार, इस वीडियो में आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के पलटने के बाद मोदी विरोधी जेडीयू के इन 5 नेताओं का अब क्या होगा। इन नेताओं में पहला नाम है जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का। मुंगेर से सांसद ललन सिंह की गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखर विरोधी के रूप में होती है। इंडिया गठबंधन में रहने के दौरान ललन सिंह सड़क से लेकर सदन तक पीएम मोदी के खिलाफ हमलावर थे। कहा जाता है कि जेडीयू के अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह ने ही नीतीश कुमार को लालू यादव के साथ जाने के लिए तैयार किया था। जेडीयू और आरजेडी के बीच गठबंधन होने के बाद ललन सिंह ने अमित शाह पर खुद की पार्टी को खत्म करने का भी आरोप लगाया था। ऐसे में बदले समीकरण में सबसे ज्यादा चर्चा ललन सिंह को लेकर ही हो रही है। हाल ही में ललन सिंह से अध्यक्ष की कुर्सी भी ले ली गई। कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में डील का यह पहला एक्शन था। वर्तमान में पार्टी के भीतर उनकी हैसियत सिर्फ एक सांसद की है, हालांकि नाम के लिए वे पार्टी के संसदीय दल के नेता भी हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ललन सिंह के धुर विरोधी विजय सिन्हा को बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया है। विजय सिन्हा और ललन सिंह दोनों ही भूमिहार जाति से आते हैं और दोनों का क्षेत्र भी एक ही है। जानकारों का कहना है कि ललन सिंह की आगे की भूमिका लोकसभा चुनाव के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। अब इन नेताओं में दूसरा नाम है गिरधारी यादव का। उद्योगपति गौतम अडानी और मोदी सरकार को लेकर बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव काफी मुखर रहे हैं। हाल ही में महुआ मोइत्रा प्रकरण में गिरधारी यादव अकेले ही पूरे सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले नजर आए थे। गिरधारी यादव जाति जनगणना के मामले पर भी मोदी सरकार की घेराबंदी कर चुके हैं। ऐसे में अब जब निजाम बदला है तो गिरधारी यादव को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। 2019 में गिरधारी यादव ने बांका सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने आरजेडी के जयप्रकाश यादव को करीब 2,00,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले गिरधारी यादव आरजेडी में भी रह चुके हैं। अब जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले या उसके बाद गिरधारी यादव का सियासी भविष्य तय हो जाएगा। अब इन्हीं नेताओं में तीसरा नाम है गुलाम रसूल बलियावी का। जेडीयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी भी अब तक बीजेपी और पीएम मोदी पर खूब हमलावर रहे हैं। फरवरी 2023 में तो बीजेपी ने रसूल पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कराया था। बलियावी पर बीजेपी ने भारतीय सेना का अपमान करने का आरोप लगाया था। जून 2023 में बलियावी ने पीएम मोदी पर निजी हमला करते हुए कहा था कि देश को चाय दुकानदार की जरूरत नहीं है। अब बदले परिदृश्य में बलियावी के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। 54 साल के बलियावी जेडीयू के महासचिव भी रह चुके हैं। हालांकि जब नीतीश कुमार के पास जेडीयू की कमान आई तो उन्होंने बलियावी के पर कतर दिए। बलियावी राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। नई सरकार में बलियावी का क्या होगा, ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। जेडीयू सूत्रों का कहना है कि फिलहाल नीतीश कुमार बलियावी को लेकर जल्दी कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने पहले की तरह कोई विवादित बयान दिया तो पार्टी से निकाले जा सकते हैं। इन नेताओं में चौथा नाम है रत्नेश सादा का। नीतीश सरकार में मंत्री रहे रत्नेश सादा भी बीजेपी और पीएम मोदी पर काफी हमलावर रहे। हाल ही में सादा ने नरेंद्र मोदी को सनातन विरोधी बताते हुए उन पर निजी टिप्पणी की थी। सादा ने कहा था कि अपनी मां के निधन पर ना तो पीएम मोदी ने बाल कटवाए और ना ही दाढ़ी, फिर कैसे सनातनी है। इतना ही नहीं, नवंबर 2023 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ
उन्होंने एक बयान भी दिया था जो खूब चर्चा में रहा था। सादा ने कहा था कि पीएम मोदी को नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलने से पहले मणिपुर की घटना को याद कर लेना चाहिए। मणिपुर में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है और प्रधानमंत्री चुप हैं। सादा ने मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। सोनवर्षा से विधायक रत्नेश सादा जून 2023 में नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए थे। सादा को जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन की जगह कैबिनेट में शामिल किया गया था। हालांकि बदले हुए परिदृश्य में सादा को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। नई कैबिनेट में मांझी के बेटे की एंट्री हो गई है, ऐसे में फिर से सादा के कैबिनेट में लिए जाने की संभावनाएं अब काफी कम हो गई है। अब पांचवा नाम है विजेंद्र यादव का। लालू यादव के साथ सरकार में रहने के दौरान विजेंद्र यादव पीएम मोदी के खिलाफ खूब हमलावर रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नरेंद्र मोदी को हिटलर की संज्ञा भी दी थी। कहा जाता है कि विजेंद्र यादव लालू यादव से राजनीतिक रिश्ता खत्म करने के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में बदले हुए परिस्थिति में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी गहमा गहमी है। विजेंद्र यादव को फिलहाल नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में रखा है। जानकारों का कहना है कि नीतीश की यह कवायद विजेंद्र यादव को साधे रखने की है। हालांकि आगे क्या होगा इसका फैसला 2024 चुनाव के बाद ही होगा। नीतीश कुमार 2014 में जीतन राम मांझी को गद्दी से हटाकर आरजेडी के साथ समझौता करने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त नीतीश कुमार के इस फैसले का पटेल, भीष्म पटेल और नरेंद्र सिंह जैसे नेताओं ने विरोध किया। पहले ये नेता जेडीयू से बाहर गए और फिर राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गए। 2017 में शरद यादव और अली अनवर ने नीतीश कुमार के पलटने का विरोध किया। दोनों नेताओं को पहले राज्यसभा से हाथ धोना पड़ा और फिर राजनीतिक रूप से साइड लाइन हो गए। शरद यादव का पिछले साल जनवरी में निधन हो गया। 2022 में आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के पलटी मार पॉलिटिक्स का विरोध किया था। इसके बाद जेडीयू नेताओं ने आरसीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरसीपी सिंह को जेडीयू से बाहर जाना पड़ा। ऐसे में पांच नेताओं के भविष्य पर शंका घिरी हुई है। तो देखते रहिए इनसाइडर लाइव। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।